ये है, हमने इनको मसल रिलैक्सेंट मांगा और ये हमें रेविपेरिजोल एंड डॉल्फिन की मेडिसिन दे रहे हैं। देखिए, लुक एट दिस गाय, काइंडली, हाँ है, आप क्या कर रहे हैं? लुक, देखिए इनको, और ये दुकान अप टू 20% प्रिस्क्रिप्शन का है आपका। शट अप, क्या चीज प्रिस्क्रिप्शन? लेकिन ना शॉप की नाम है ना कुछ है, एंड जस्ट लुक, सिंपल हमने इनसे मांगा था मसल रिलैक्सेंट एंड ये हमें दे रहे हैं। हाँ, हम बोलते हैं ये हाँ, क्या डोंट लाई, इन्होंने हमें डोमेप्रिडोल और इसकी ये दी। आपका नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम? तुम क्या डिप्टी कमिश्नर हो? व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? गेट आउट फ्रॉम हियर। व्हाट्स योर नेम? गेट आउट। सोशल मीडिया पर तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक औरत एक मेडिकल शॉप में है और मेडिकल शॉप वाला इस औरत को बाहर निकलने को कह रहा है, लेकिन औरत की जानिब से वाज़ह तौर पर मेडिकल शॉप वाले से ये पूछा जा रहा है कि जो दवाई मैंने आपको बोली है वो दवाई आपने क्यों नहीं दी, आप बदले में और कोई दवाई मुझे क्यों दे रहे हैं। जिसके बाद मेडिकल शॉप वाले और इस औरत के दरमियान तू तू मैं हो जाता है और मेडिकल शॉप वाला इस औरत को बाहर निकलने को कह रहा है, लेकिन आखिर में आप देख सकते हैं कि मेडिकल शॉप वाला लाइट्स भी ऑफ कर देता है और इस औरत को धक्के मारकर बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। इस वीडियो के हवाले से हमने जब मज़ीद जानने की कोशिश की तो पता चला कि ये मामला श्रीनगर के बिमना इलाके में पेश आया है और ये मामला एडवोकेट नाज़िया मुश्ताक के साथ पेश आया है। एडवोकेट नाज़िया मुश्ताक से हमारी फ़ोन पर बात हुई और उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। क्या हुआ? सिंपली मैं और मेरी कजन जा रही थी, उनको इसमें ना नेक में स्ट्रेन आया हुआ था। अच्छा, ठीक है। ये शॉप यहीं पे पड़ी हुई है, हमारे आसपास ही भिमना में ही पड़ी हुई है। अच्छा, भिमना। हाँ, पीछे से घर असमजन कुछ फोर रूट्स करके क्लिनिक है इनका, ठीक है। तो अब जो ये है शॉप, आपने देखी होगी वीडियो क्या है शॉप कैसी है क्या है। हम सीधे गए, मैंने बोला नजदीक में है, माय कजन इज आस्किंग हिम फॉर अ मसल रिलैक्सेंट। सिंपल हमने बोला अंकल मसल रिलैक्सेंट है, तो ये क्या करने लगे, ये रोज ब्यूटी डायरी खुला हमने, ठीक है। जब ये डायरी खोलने लगे कुछ देख रहे हैं उनमें सुचान, हमें अब समझ आया शायद ये कुछ देख रहे और फोन कर रहे हैं। हमने बोला अंकल शायद आपके पास ये दवाई नहीं है। तो फिर क्या हुआ, तो ये हमें देने लगा बहुत टाइम के बाद, ये हमें देने लगा डोमेप्रिडोल और पेंटाप्रेजोल की दवाई देने लगा। ये बोलता है मेरी कजन को, हाँ रखा ही है ये, क्या क्या। जब ये हमें ये बोल रहा है तो हमने अब देखा, हमने बोला अंकल लेकिन ये मसल रिलैक्सेंट किया दवा डोमेप्रिडोल, तो ना 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 इशन दवा दो पीना चाहिए। हमने इसको बोला अंकल आप क्या बोल रहे हो, ये लोग जो इसने जहल किया वहां से बहुत ज्यादा। ये बोलता है ना यू हो दवा तू रट्यू तो दो पूना तू क्या शो करान रट्यू। मैंने उसको बोला, मैं उसको बोला अंकल आई हैव अ क्वेश्चन, डू यू हैव अ लाइसेंस, आप अगर दवाई भेज रहे हो इट्स एविडेंट आपने हमें गलत दवाई दी, तो हमें तो है निर्जा नहीं होगा बुजुर्ग, तो हमें निर्जा नहीं होगा अनपढ़ इंसान, तू दी तेमिस क्या दवा थे अस्परिमित लिख में तू छू ऐसे गलत दवा दिवा अच्छा पाई गलत दवा। मेरी कजन भी बोल रही है दोस्त अच्छा नहीं था अनपढ़ के अच्छा अनपढ़, ये करने लगा वहां से बहुत लड़ाई हमारे साथ। मैंने इनको और पूछा आपके पास लाइसेंस है, जब इसे नहीं माना मैंने अपना फोन निकाला, वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये आया, इसने अपनी लाइट्स ऑफ की, जाओ जाओ तुम क्या डिप्टी के कमिश्नर हो। इसने मेरे साथ फिर बहुत मिसबिहेव किया, ही मैन हैंडल्ड मी। जब वीडियो खत्म हो रहा है ना, खत्म किया उसमें कुछ फोन पे इसने मेरी बाजू पकड़ी, ही मैन हैंडल्ड मी वेरी बैडली। माय ओनली एंड ओनली क्वेश्चन इज आई टॉक टू डायरेक्टर दिस ना हेल्थ ऑल्सो, आपके इससे मैं हवाले से उनको ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने कंप्लेंट कर दी है उनको भी फॉरवर्ड, बट आपके थ्रू मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ उनको, काइंडली लुक इनटू द मैटर, काइंडली एक टीम भेजिए वहां पे, आप देखिए इस मेडिकल शॉप वाले के पास लाइसेंस है और जो ये बंदा है इस पे मेरे वीडियो पे, काइंडली इनसे पूछिए आप क्या इनके पास नॉलेज है अगर ये दवा चुकना नतनस कंपोजिशन इसको पता है ये किस कैपेसिटी में ये भेज रहा है दवाइया, व्हाट इज ही बाय प्रोफेशन। बस क्योंकि देखिए क्यों 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 आई वॉज एजुकेटेड, मेरे को सही और गलत में फर्क पता चल गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं बुजुर्ग है कहा सिंपल कल दाद मौजूद हो रही थी तेमिस गलत दवा, दिस इज नॉट द राइट वे, दिस इज अ सोशल इश्यू विच नीड टू बी सॉल्व। बस
बहरहाल दोस्तों आपने सुना कि इस औरत का क्या कहना है और हमने कोशिश की थी कि इस मेडिकल शॉप वाले से भी बात की जाए, लेकिन कई सारी कोशिशों के बाद इनसे रابطہ नहीं हो पाया।